दतिया के बदमाशों ने दिया हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम। 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 है हिस्ट्री शीटर। गाड़ी के नंबर से पुलिस पहुंची लुटेरों तक। शिवपुरी के 4-लेन हाईवे पर आए दिन वाहन चालकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था और इन लुटेरों को लेकर पुलिस कई दिनों से हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। दतिया के हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने 23 जुलाई की रात को एक ट्रक में बैठे 3 लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। उनकी मार पिटाई कर उनसे ATM नकदी सहित जेवरात लूट कर ले गए। इसके बाद इन लोगों ने सूर्यावा थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। तो उसके बाद पुलिस एक ओमी वैन के नंबर को ट्रेस कर इन बदमाशों तक पहुंची। पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटी तो पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने एक वैन को लूट की वारदात में उपयोग में किया है, जिसके बाद पुलिस इस वाहन का नंबर ट्रेस कर वाहन के मालिक तक पहुंची। और इसके बाद वाहन के मालिक से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों ने रेकी की और 4 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया माल, मोबाइल, ATM सहित नकदी भी बरामद कर लिए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी अच्छी सफलता, एक डकैती का अपराध 23 जुलाई की रात में एक ट्रक के साथ में लूट की घटना हुई थी। इसमें ट्रक में 3 लोग सवार थे और एकदम एक मारुति को वैन रुकी और जिससे उनका बताना था कि 4 लोग एकदम ट्रक में चढ़ गए और उन्होंने मारा पीटी करना चालू कर दी और मोबाइल, 3 मोबाइल और बाकी चांदी का सामान करीबन 78,050 रुपये जो उनके पास रखे थे, कुछ 84,000 रुपये करीबन सामान लूट के ले गए थे। ये थाना प्रभारी को जब सूचना मिली है तो उस पर केस कायम किया गया। पहले इन्होंने तलाश करने की कोशिश की क्योंकि ये बात आ रही थी कि मारुति इको वैन है जो UP पासिंग नंबर है। उस नंबर को कंफर्म करने के बाद में जब उसके मालिक से जाके बातचीत की गई तो वो दतिया का रहने वाला था, उसने बताया कि एक व्यक्ति उससे शिवपुरी में गमी के लिए गाड़ी लेके गया था। इसके आधार पर लगातार दबिश देने के बाद भांडेर से हम लोगों को 7 मुलजिम अलग अलग टाइम में मिले हैं। कुछ लोगों को पहले पकड़ा था 27 तारीख को और उनको पुलिस रिमांड में लिया गया था और उनसे सामान मिला है। उसके बाद उनकी पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोग कुल 7 थे और 3 लोग जो थे वो बाद में आज की तारीख में गिरफ्तार किए हैं। इसमें हमारे SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी और थाना प्रभारी रामेन चौहान की बड़ी विशेष भूमिका रही है। उनकी टीम जिसने लगातार उनके साथ में काम करके ये 7 आरोपियों को पकड़ा है, सारा माल मिल गया है, 3 मोबाइलें मिल गए जब्त हो गए और गाड़ी जो इस्तेमाल की गई थी वो भी मिली है। नहीं, अभी तो इसमें कोई कट्टे का इस्तेमाल इसमें नहीं होना पाया गया है। इसमें जो सामान मिला है इसमें मोबाइल मिले हैं, नीलम का पर्स है। इनका बताना भी था कि मारपीट सीधे सीधे की गई थी। जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ये इनमें से 3 जो है एसटी शीटर हैं, दतिया के भांडेर के ही रहने वाले हैं और एक गुंडा लिस्ट में है। और इसमें बाकी जो एक व्यक्ति था वो जो मालिक, गाड़ी के मालिक को पहचानता था, उससे वो बात करके ले आया था कि कभी में जाना है और वापस तत्काल वारदात करके जो हाईवे से बहुत तेज़ी से आ गए और उसके बाद वापस निकल गए थे। लेकिन जरा सी टिप से गाड़ी के नंबर को कन्फर्म होने के बाद से ये केस पूरा डिटेक्शन किया है और 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। सराहनीय काम सुरवाया थाना पुलिस ने, शिवपुरी ने किया है, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा।